देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पे और देख सकते हैं यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी जन आक्रोश रैली निकाली गई है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं रहे सहेगा हिंदुस्तान, यानी कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो नरसंहार हो रहा है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये आम आदमी पार्टी द्वारा लिखा गया। और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को सबक सीखना होगा। आइए जानते हैं यहाँ पर हम और भी पब्लिक से हम जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो नरसंहार हो रहा है कश्मीर में आखिर इसका निवारण क्या है। और भी बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले जो इंटरव्यू में आंसू बहा रहे थे, उनके दुख दर्द पे रो रहे थे, मानो सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं को है। आज वो गायब है, वो विदेशों में है, रोते हैं और वो किस तरह से दर्द को बयां कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आज जब कश्मीरी पंडितों की किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि देश कश्मीर हमारे देश का ताज है और कश्मीरी उस ताज का तिलक है, हीरा है, माड़े के मोती हैं, और चुन चुन के आज उनकी हत्या हो रही है। आज पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, नाम अगर उनका कोई संदीप है, उनका नाम प्रदीप है, उनका नाम राम आश्रय है, तो उनके माथे पर गोली है। अफसोस कि हम हिंदू देख रहे हैं उन्हें, हम हिंदुस्तानी नहीं देख रहे। अफसोस कि हम इन्हें, आप क्या कहना चाहते हैं, हिंदुओं को क्या किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं? मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ साहब, हिंदू और मुसलमान की बात करने के लिए, हिंदू और मुसलमान की बात करने के लिए मोदी और बीजेपी ही काफ़ी है। हम ये कहते हैं कि अगर देश में, देश की धरती पर, भारत के नक्शे पर, भारत की अखंडता के बीच में अगर किसी एक भी हिंदुस्तानी का रक्त बहता है, लहू बहता है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वह है जो डंकापति है। डंकापति आज घूम घूम कर कभी बर्लिन में, कभी जर्मनी में, कभी फिनलैंड में ढोल पीटते नजर आ रहे हैं। किस खुशी का ढोल पीट रहे हैं? देश में कश्मीरी छाती पीट रहे हैं और आप ढोल पीट रहे हैं। आपने तो एक बात कही थी कि 370 के बाद अगर एक भी जान गई तो हमारी जान पहले जाएगी। आपकी जान तो नहीं गई, आपका बाल बाका भी नहीं हुआ। किस बिल में छुपे हुए हो डंकापति और किस बिल में छुपे हुए चाणक्य? आज केसर में आग लगी हुई है, केसर में चिंगारियां भड़की हुई हैं, केसर जल रहा है, चिताएं की लपटें ऊंची होती जा रही है। जल रहा है वो तो केसर में दाने दा, वो केसर दाने का दम दाने दाने में दिखा रहे हैं। दूसरी फिल्म का प्रमोशन में लग गए हैं उनका, वो देखिए वो पृथ्वीराज चौहान मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। उनका एक पोस्टर देखा अभी मैंने, उनके एक हाथ टाइट बांधा हुआ था और एक ढीला, तो लोग ये कह रहे थे शायद बिमल गुटखा खाने के लिए हाथ ढीला छोड़ा हुआ है। ये तीन पद्मश्री देश में, तीन पद्मश्री, छाती पर पद्मश्री का तगमा और मुंह में गुटखे का प्रचार, ये देश इससे ज्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? ये गुटखा खाने वाले लोग पृथ्वीराज चौहान के पैर की धोवन भी नहीं बन सकते। केसरिया आंख में उंगली डालकर कोई केसरिया नहीं हो जाता साहब। केसरिया के लिए छाती चौड़ी करनी पड़ती है, भगत सिंह के सपनों को जीना होता है, सुभाष चंद्र के नारों को जीना होता है, पटेल की तरह जिंदगी और महात्मा की तरह साधना करनी पड़ती है। कोई चटकार, जुमलेबाज, नारेबाज बनकर, अंधभक्त होकर कोई केसरिया और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। देश इन पनौतियों से बचना चाहती है, देश जबरन इनकी छाती पर झोला लादना चाहती है और कहना चाहती है, हे 56 इंच के पत्थर, अब देश को आजाद कर दो। आजाद तो करा दिया कश्मीर को, 370 हटाया ना, जो कलंक था उसको हटा दिया, मिटा दिया, हट गया। आप क्या कहेंगे, तो क्या फायदा? मजबूत सरकार है, जो सहमत है। 370 हटाओ और आजादी मिल गई। आजादी जिंदगी से मिली है, आजादी सांसों से मिली है, आजादी अपनी माँ से मिला है, अपने बाप से मिला है, रिश्तों से मिला है, आजादी मिली है अपनी सांसों से। आजादी का यह मतलब नहीं था कि कोई मेरा नाम पूछेगा और मेरे माथे पर गोली मार देगा। ये अगर इसी का नाम आजादी है तो ये आजादी आप सब पत्रकारों को मुबारक हो। मैं तो इसे दीनता, हीनता, जंजीर कहता हूँ, यातना कहता हूँ, अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म का शासन करता हूँ। इतने निर्दयी तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं था कि कोई नाम पूछेगा और गोली मार देगा, कोई नाम पूछेगा और मेरी बहन का सिंदूर उजाड़ देगा, कोई नाम पूछेगा और किसी माँ के लाल को छीन लेगा। अगर मोदी जी जरा सा भी आप में नैतिकता है, दम है, वाकई आपको राष्ट्रभक्ति आती है, तो आज देश का ताज, देश का मुकुट खतरे में है, ताज की लाज बचा लीजिए। लाज तो बचाए, आप घर खरीद सकते हैं कश्मीर में, 70 साल में खरीद सकते थे क्या? खरीद तो कोई भी नहीं पाया, तो आज खरीदिए।
खरीद तो कोई नहीं पाया, अभी तक भी नहीं खरीद पाया। जिन्हें जबरन बसाया जा रहा है वो भी पलायन चाह रहे हैं, वो भी गुहार कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनके पास है और वो कह रहे हैं नौकरी रख लो, जान बख्श दो। क्या आलम आ गया है साहब, क्या कोहराम मचा हुआ, क्या मातम है। एक तरफ कश्मीर में लोग छातियां पीट रहे, आंसू नहीं सूख रहे, सिंदूर नहीं बुझ रहे। एक तरफ से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, और यहाँ पर डंका पति देश विदेश में घूम घूम के और ढोल पीट रहे। कहाँ हो शाह साहब, कहाँ हो स्मृति ईरानी जी, कहाँ हो प्रधान जी, कहाँ हो रही है ना मस्जिद की खुदाई हो रही है। अब देखिए वहाँ इतने सारे शिवलिंग मिल रहे हैं, मस्जिदों जो मंदिर तोड़कर बनाएंगे तो वापस आएंगे। आप लोग मुझे लग रहा है पटरी से उतर गए हैं। मुझे मोहन भागवत जी की एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि हर मस्जिद में अब मंदिर शिवलिंग नहीं झांकना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्वाइन करेंगे क्या। मेरा सवाल का पूरा जवाब सुन लीजिए, मेरे बारे में भविष्यवाणी मत कीजिए कि मैं क्या करूँगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं जबरिया यहाँ आपके आगे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत समझदारी से बात रखना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के नौजवान इस बात को सुने भी। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा इससे क्या फर्क पड़ेगा देश में। देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा, देश का गृह मंत्री क्या करेगा, एलजी साहब क्या करेंगे, देश किस धरा पर चलेगा उससे क्या चलेगा, मेरे जैसा एक संदीप मिश्रा क्या कर लेगा। अभी हो सकता है बीजेपी के लोगों को रोज रात को सपना आए और कह दें कि नेहरू जी की आत्मा आकर कश्मीर में चुन चुन के लोगों को मार रही है तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये भी कह सकते हैं कि राजीव गांधी मार रहे हैं, इंदिरा गांधी मार रहे हैं, अंततः गत्वा उन्हें आरोप कांग्रेस पर ही लगाना है। वो मैं तो एक बात कहता हूँ आज, पूरे एक बात सर, आज एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी और पूरी बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, राहुल गांधी को पप्पू कहते कहते हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को पप्पू बना दिया उन्होंने। देश अब भी नहीं जाग रहा, अंधे अब भी नहीं जाग रहे, चटकार अब भी नहीं जाग रहे। आप भी तो पप्पू मानते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का नामकरण करने का अधिकार या तो उसके धर्मगुरु को या माँ को या रिश्तेदारों का है। मैं कौन होता हूँ उनका नाम करने का। मैं तो उनकी काबिलियत को देखता हूँ कि आज उनका वक्त भले ही नहीं हो लेकिन वो काबिल तो हैं, वो पढ़े लिखे तो हैं, उनकी डिग्री कोई इंटायर पॉलिटिक्स में तो नहीं है, उनको बहुत सारा ज्ञान है, इल्म है। वो अलग बात है कि शहादत के तले वो लोग दबे हुए हैं, उनके उन्होंने बाप खोया, माँ खोई, दादी खोई, पिता खोया और तमाम हिंदुस्तान गवाह है कि उनके परिवार में बलिदान। पत्नी त्यागी है या छोड़ी है, पत्नी त्यागी है या छोड़ी है, ये बहन यशोदा ही बता सकती है। पत्नी तो चाहती है कि वो आके उनके साथ रहे, अपने पति के साथ रहे, लेकिन पति ही पलायन करके भागे हुए, पति को फुर्सत नहीं है। मिश्रा जी गुब्बारे के साथ है शिवलिंग के। देखिए ये अदालत में मामला है, विचाराधीन है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि अदालत की टिप्पणी पर कोई टीका करूँ। वो शिवलिंग में फुहारा है या शिवलिंग है ये माननीय न्यायालय तय करेगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान से चलने वाले देश में एक बार जुल्म हुआ, इस देश में सच है एक बार जुल्म हुआ कि जब मुगल आए तो हर मीनार, हर मंदिर में मीनार बना दी गई। एक फिर ऐसा ही समय आया है, हर मीनार में खुदाई है। साहब वो जुल्मी थे या ये जुल्मी है, वक्त जुल्मी है, समय जुल्मी है, और मंदिर को मीनार, मीनार को मंदिर, शिवलिंग को पत्थर, पत्थर को फुहारा बना के रोजगार मिलेगा क्या। वक्त आज मुद्दा क्या है, मुद्दा रोजगार है या प्रभु है, मुद्दा रोजगार है या आज के टाइम में नेतागिरी है। आप बता दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान में शिवलिंग कर दीजिए। मैं तो उन शिवलिंगों की ओर भी आप सबका इशारा करना चाहूंगा जो लंका, बनारस में लंका जेल के तहखाने में, मालखाने में बंद है। सैकड़ों शिवलिंग जो तोड़ दिए गए रोड चौड़ा करने के, अगर शिवलिंग के आकार से ही भगवान बहुत ताकतवर होते हैं तो छोटे छोटे शिवलिंगों का अनादर क्यों किया गया है। कोई विशाल शिवलिंग में ही शंकर प्रकट होंगे ऐसा नहीं है। हमारे तो महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि कंकर कंकर शंकर है। अच्छा पंडित जी आपने कहा कि क्रांति आए थे, मुगल आए थे और यहाँ पे तोड़फोड़ किए, अंग्रेजों की तो बात नहीं होती, सारे जो मुगल ही करके चले गए थे। अंग्रेजों ने, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई एक मंदिर या मस्जिद को तोड़ा होगा। अंग्रेजों ने कहीं भी ऐसे जुल्म की बात नहीं की है, उन्होंने हम पर जुल्म जरूर किया है। तो मुस्लिम की लड़ाई शुरुआत की, मंदिर तो नहीं तोड़ा, एक भी साक्ष्य है आपके पास तो मुझे बता दें। अंग्रेजों ने, लाल डलहौजी ने कोई किया हो, मैकाले ने कोई तोड़ा हो, आप कोई कह रहे हो, सवाल अंग्रेजों पे है। आप धीरे भी बोलेंगे तो मुझ तक आवाज आएगी, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक के बाद एक विवाद शुरू ही होगा, लेकिन वाद क्या है, जरूरत क्या है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान और लोगों के खिलाफ क्या।
हम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, हो रहे हैं सारी आवाज हमारे आपने तो कह दिया एक सहमति दे दी कि पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हुआ, जाहिर तौर पर जुल्म तब भी था, तो गलत की तुलना आप गलत से कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे थे एक कान खोलोगे हो गया।